हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अस्तर वाली मगजी की कटिंग और सिलाई करके बताने वाली हूँ, और इसमें मैं अलग तरीका बताऊँगी मगजी बनाने का। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगजी की कटिंग। पहले तो हमारे पास अस्तर और ये ऊपर वाला कपड़ा है। सबसे पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करना है और उसके एक साइड में सिलाई लगा देनी है। ऊपर वाले कपड़े में भी हमें इसी तरह करना है, डबल फोल्ड करना है और उसके एक साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये अस्तर और ऊपर वाले दोनों फैब्रिक में मैंने सिलाई लगा ली है एक साइड में। अब सबसे पहले हम अस्तर पर मगजी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक कोना उठाइए और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको कपड़े के बीच में आ जानी चाहिए, यानी कि कपड़े को हमें एक चोपड़े का आकार देना है इस तरीके से। और अब एक साइड से इसे कटिंग कर दीजिए। आप इस कपड़े को ऊपर की ओर डबल फोल्ड कर दीजिए। अब हमें मगजी की कटिंग करनी है, तो मगजी हमें लगभग लेनी है 2.5 इंच चौड़ी। बराबर 2.5 इंच पर निशान लगा लीजिए आप 2-3 जगह। अब एक इन तीनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करें, ताकि आपकी मगजी जो है वो छोटी बड़ी ना हो। यहां से आप कटिंग कर ले मगजी की। अब ये जो हमने मगजी कटिंग की है, इसको कटी हुई मगजी को इस कपड़े के ऊपर रखिए और इसके बराबर में और मगजी आप कटिंग कर लीजिए। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी आप मगजी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने अस्तर की सारी मगजी कटिंग कर ली है। अब ऊपर वाले फैब्रिक पर हम मगजी की कटिंग करेंगे। इसे भी इसी तरह ट्रायंगल शेप दीजिए, एक झोपड़े का आकार दे दीजिए। जो सिलाई हमने लगाई थी उसे बीच में ले आइए, यानी कि मगजी हमेशा उरेब होनी चाहिए, इसीलिए हम इसे ट्राइंगल शेप देते हैं। अब इससे भी आप डबल फोल्ड कीजिए और आगे से देखिए, थोड़ी थोड़ी किनारे है जो, उसे आप कटिंग कर लीजिए। जो बंद है उसे आप खोल लीजिए। हल्का सा कटिंग कीजिएगा, ज़्यादा कपड़ा ना कट करें। अब जो हमने अस्तर वाली मगजी कटिंग की थी उसे इस ऊपर वाले कपड़े पर इस तरीके से रखिए। अब ये जो ऊपर वाले फैब्रिक पर हम जब मगजी कटिंग करते हैं तो अस्तर वाली मगजी से थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, यानी कि दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये कपड़ा लचीला होता है, पतला होता है, तो अगर हम इसे खोलेंगे तो ये छोटा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी ही रखते हैं। और इसीलिए हम दोनों अस्तर और ऊपर वाले फैब्रिक दोनों की अलग अलग मगजी कटिंग करते हैं। दोनों साइड आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखें। कुर्ती और कांचली कटिंग करते वक्त भी मैंने यही बताया है कि आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखना है। अब इन्हें कुछ इस तरीके से जोड़ लीजिए आप सारी मगजी को। पहले अस्तर वाली मगजी को जोड़िए, फिर हमें ऊपर वाली मगजी को दोनों जोड़ना है। दोनों को अलग अलग ही जोड़िएगा आप। ऊपर वाली मगजी को भी मैंने जोड़ लिया और अस्तर को भी जोड़ लिया है। अभी इन्हें कुछ इस तरीके से रखिए, ऊपर की ओर उल्टा रहे था दोनों कपड़े। इसमें मैं अलग तरीका बता रही हूँ मगजी बनाने का, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, एक तरफ से इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए। जो कपड़ा हम फोल्डिंग के लिए बाहर रखते हैं उसे आप पहले ही अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए, और फिर एक साइड से ऊपर से फिर से कपड़ा फोल्ड कर लीजिए। और अब घुने को रखिए यहाँ पर बीच में। पहले आप देखिए दोनों को बराबर कर लीजिए, ऊपर वाले और नीचे वाले अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लीजिए। किसी कपड़े को भी आप खींचे ना अस्तर को ना ऊपर वाले फैब्रिक को। इस तरह से एक साइड से कपड़ा आप फोल्ड कर दीजिए। जो हम बाहर की ओर रखते हैं फोल्डिंग के लिए उसे अंदर की ओर पहले ही फोल्ड कर दें और इसके ऊपर की ओर मगजी फोल्डिंग कर दें और गुणा रखें, और इसके गुणे के बीचों बीच आप सिलाई लगाएं। मगजी ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, और दूसरी तरफ आप उतना कपड़ा रखें कि हम दो सिलाई और आसानी से लगा सकें। देखिए कुछ इस तरीके से ये कपड़ा हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और ऊपर मगजी को फिर से फोल्ड करना है ऊपर की ओर, और इस तरीके से गुणे के बीचों बीच सिलाई लगा देनी है। और मगजी बनाते वक्त ये हमें से ध्यान रखें कि नीचे की तरफ हमें
कपड़े के मैचिंग कलर का धागा यूज़ में नहीं लेना है, दूसरे कलर का आप धागा यूज़ में ले जो आपको आसानी से दिखे। देखिए अब मैं मगजी तो हम जितनी साइज़ की बनाते हैं उतनी साइज़ की हमें बनानी है, और दूसरी तरफ हमें उतना कपड़ा रखना है जो हम फोल्ड करते हैं ये अंदर की तरफ, ताकि हम दो बार सिलाई लगा सके, यानी कि एक तो जब हम मगजी लगाए और एक बार ऊपर की ओर सिलाई लगाते वक्त। देखिए कभी कभी क्या होता है, अस्तर वाली मगजी है तो ऊपर वाला फैब्रिक बाहर की ओर आ जाता है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले तो आप बराबर कीजिए और नीचे से थोड़ा सा जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे आप खींच लीजिए अंदर की तरफ, तो आपका जो मगजी है वो भी लूज़ लूज़ नहीं लगेगी और अलग से भी नहीं लगेगा, कपड़ा एकदम बराबर होगी। ये देखिए इस तरीके से आप नीचे से थोड़ा सा खींच लीजिए। कभी भी मगजी बनाते वक्त आप कपड़े को न खींचे, एकदम आराम आराम से बनाए। ये कपड़े को अंदर फोल्ड करना है और ऊपर वाले कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। ये मगजी बनाना बहुत ही आसान है, और ये घूस किस तरीके से लेना है वो मैं आपको कुर्ती सिलते वक्त अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली मगजी बनाना। इससे हम जब मगजी लगाते हैं तो हमें सिर्फ 3 सिलाई लगानी पड़ेगी, 4 सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जो कपड़ा फोल्डिंग करते हैं वो हमने पहले ही फोल्ड कर दिया है मगजी बनाते वक्त। इस तरीके से ऊपर वाले और अस्तर दोनों कपड़ों को बराबर कीजिए और गुणे के बीचों बीच सिलाई लगाते चलिए। बहुत ही आसान तरीका है मगजी बनाने का, आप एक दो दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी मगजी मैंने बना ली है। कुर्ती के गले पर, गले के लिए आप जब मगजी बनाए तो वो भी थोड़ी सी छोटी बनाए बाकी वाली मगजी से, तो अच्छी लगेगी। ये देखिए मगजी बन गई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कपड़ा बाहर की तरफ है या लूज हो रहा है ऊपर वाला कपड़ा, और गुणा भी एकदम बराबर है, बीचों बीच हमने सिलाई लगाई है। ये इस तरफ मगजी रहेगी और दूसरी तरफ है जो कपड़ा फोल्डिंग हुआ है। ये देखिए हमें इतना कपड़ा रखना है कि हम इसके दूसरी तरफ दो सिले आराम से लगा सकें।